आज मैं आपको साउथ की टॉप 5 ऐसी लव ट्रायंगल मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि न्यू है और आपने शायद इन सारी मूवीज को मिस कर दिया होगा। तो चलिए और ज्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पांचवें नंबर पे आती है गुना 369। ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी फोकस करती है एक गुना नाम के लड़के पे, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है और वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लग जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और उस लड़के को एक गुंडे के मर्डर के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहा होता है वो मर चुकी होती है। तो आखिर वो लड़की कैसे मरी होती है? क्या उसने सुसाइड कर लिया होता है या उसका किसी ने मर्डर कर दिया होता है? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 6.3 की। चौथे नंबर पे आती है इंतहा प्यार की। समंता और जीवा स्टारिंग यह मूवी एक बेस्ट रोमांटिक मूवी है। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 6.5 की। इस मूवी में एक लड़का और एक लड़की के बचपन की लव स्टोरी को दिखाया गया है, जो कि एक छोटे से झगड़े की वजह से टूट जाता है। लेकिन इन दोनों को वापस से लव हो जाता है जब वो स्कूल में वापस से मिलते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों अपने करियर की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो क्या वो दोनों वापस फिर से एक हो पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये रोमांटिक मूवी देखनी होगी। ये मूवी आपको गोल्ड माइल टेलीफिल्म के यूट्यूब चैनल पे इंतहा प्यार की इस नाम से देखने को मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे आती है RX 100। कार्तिकेय और पायल राजपूत स्टारिंग ये मूवी एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। ये मूवी रोमांस और थ्रिल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस मूवी की स्टोरी एक पॉलिटिशियन से स्टार्ट होती है जिसकी बेटी शहर से गाँव घूमने आई होती है और उस लड़की को एक सिवा नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन लड़की का जो पिता होता है वो उन दोनों के प्यार के अगेंस्ट होता है और वो अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के से करवाने वाला होता है। लेकिन जो सिवा होता है वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है, तो आपको इस मूवी को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 6.9 की और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। सेकेंड नंबर पर आती है तकदीर। अखिल अक्कीनेनी और कल्याणी प्रियदर्शनी स्टारिंग ये मूवी एक एक्शन रोमांटिक मूवी है। इस मूवी को IMDb ने 7.3 की दमदार रेटिंग दी है। इस मूवी की कहानी एक अनाथ लड़के की है जो कि अपना छोटा मोटा सामान बेच के गुजारा चला रहा होता है। एक दिन उसको गार्डन में एक लड़की दिखती है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन जो लड़की होती है उसके पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके वजह से इन दोनों को बिछड़ना पड़ता है। तो वो लड़की अपना नंबर एक नोट पे लिख के उसको दे देती है, लेकिन वो नोट एक गुंडा चुरा लेता है। तो क्या एंड में ये एक दूसरे से वापस मिल पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। पहले नंबर की मूवी बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट नंबर पे आती है द बॉय। इस मूवी की स्टोरी एक स्कूल लव स्टोरी पे फोकस करती है जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.4 की। इस मूवी की कहानी एक 15 साल के लड़के जिसकी क्रश नेशनल कॉलेज में प्री एडमिशन करा ली होती है, लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मैथ्स में 95% मार्क्स आने चाहिए होते, लेकिन इस लड़के को मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो क्या ये उतने मार्क्स ला पाता है अपनी उस क्रश से मिलने के लिए, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी आपको YouTube पे द बॉय के नाम से आसानी से मिल जाएगी। तो ये थी हमारी साउथ की टॉप 5 ऐसी लव ट्रायंगल मूवीज जिसमें आपको लव और थ्रिल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर इसमें से आपने कोई भी मूवी पहले देखी होगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हो तो आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।